नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ताकतवर अफसर में शुमार। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के सेवा विस्तार को लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता के गलियारों में जहां कुछ लोग उनके सेवा विस्तार को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके सेवा विस्तार न मिलने की खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में समय शासन में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नोएडा के बाद लखनऊ में भी दबंग महिला का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप पर दबंग महिला की गुंडई का वीडियो सामने आया। दबंग महिला के साथ उसकी दबंग मां भी मौजूद रही। खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद खुद दबंग महिला ने दबंगई शुरू कर दी। दबंग महिला ने कार चालक को ईंट पत्थर लेकर दौड़ाया। दबंग महिला ने कार चालक के साथ गाली गलौज की है। 109 चौराहे के पास इंडियन पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडई देखने को मिली। आगरा में एक्टिवा सवार युवक महिला के गले से चेन तोड़कर भाग निकला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने तहरीर दी है। आगरा के थाना ताजगंज अंतर्गत चमरौली क्षेत्र का ये पूरा मामला। हिंदुवादी नेता गोविंद पाराशर का गुस्सा भड़क गया। हिंदुवादी नेता की जुबान से गालियों की बौछार हो गई। ऑटो पर गंदा तिरंगा देख गोविंद पाराशर भड़क गए। ऑटो चालक को यहां पर गाली गलौज की उसके साथ, और इसके बाद ऑटो चालक हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी नजर आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना नकाबगंज क्षेत्र के बिजलीघर चौराहे का पूरा मामला। यूपी के डिप्टी सीएम जयेश पाठक का श्रावस्ती दौरा। शाम 7 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भीनका डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और कल सुबह 9 बजे गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। 11 बजे कलेक्ट्रेट में सीएम की जल कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे डिप्टी सीएम। इसके बाद 2 बजे श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। श्रावस्ती में कजरी तीज पर विभूतिनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालु जुटे। पूरी रात अधिकारियों के साथ कॉमिंग करते रहे डीएम और एसपी। डीएम नेहा प्रकाश एसपी व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। पड़ोसी देश नेपाल सहित आसपास जिलों से कई कांवड़िए पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तैयारियां की हुई थी। मेला क्षेत्र में 3 सेक्टर, 7 सब सेक्टर, 16 बैरियर, 14 पार्किंग, 2 मोबाइल पार्टी लगाई गई थी। मथुरा में रेलवे पुलिस द्वारा बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसका संचालन हाथरस में होता था। हाथरस में एक डॉक्टर दंपति का संचालन करते थे। हाथरस में चिकित्सा विभाग द्वारा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है। डॉक्टर दंपति के बच्चा चोर गिरोह सरगना के रूप में सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवल नगर स्थित बाकी बीआर अस्पताल को सीज कर दिया। इसके साथ ही दंपति ने अन्य संचालित अस्पतालों के बारे में भी स्वास्थ्य महकमा जानकारी जुटा रहा है। बताया जाता है कि दंपति की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पर सील लगाए जाने के आदेश दिए और तत्काल इस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। महिला दयावती सिकंदरा मऊ क्षेत्र में संविदा डॉक्टर के पद पर तैनात है। उनके पति प्रेम विहारी शहर की पीएससी रानी नंगला में तैनात है। इसकी सेवा समाप्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में लड़की के छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। पड़ोस के ही लड़के लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को जलने से बचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को डॉक्टर के लिए थाना कुआरसी क्षेत्र के अवंतिका फेज 2 का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। शाम को 10 बजे 112 को सूचना मिली कि थाना कुआरसी स्थित किशनपुर पे एक महिला के ऊपर एक पुरुष द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। मौके पे पुलिस पहुंची तो तफ्तीश से ये जानकारी मिली कि दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और आज किसी बात को लेके कौशल कुमार पुत्र टंपी उर्फ केके का उस महिला से विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने केके ने महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंका और वहाँ से चला गया। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। किसी भी प्रकार की कोई चोट किसी को नहीं लगी है और आरोपी कौशल कुमार को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है।
जौनपुर में उधार न देने पर दबंगों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पश्चिम कौड़िया मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही है भीड़ शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगी है। दरअसल शाहगंज कोतवाली के पश्चिमी कौड़िया गांव का रहने वाला चंद्र अपने घर पर ही किराने की दुकान चलाता है। जब यहां कुछ लोग पहुंचे और सामान खरीदा तो दुकानदार पैसे मांगने लगा, लेकिन दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। सुबह लगभग 8:05 पे एक मरीज के लोग लोकल लेके भागे भागे आए और उसके गर्दन पे चोट थी और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और हमें लगता है कि अंदर कोई इंजरी हो गई है और जिसकी वजह से खून बह रहा था, तो हम लोगों ने तुरंत उसको यहाँ प्राथमिक उपचार देके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और उनको बता दिया कि आप इनको तुरंत लेके जाएँ ताकि उनका मैनेजमेंट हो सके। बैठा था दुकान पे तो आया सामान लेने, तो ये उधार नहीं दिया, तो उसी में मारपीट करने लगे। हम अंदर साहब भी जुटा करने के लिए तो ये उसको चाकू मार दिया। क्या सामान लेने के लिए आया था? वही टिकाव करने में आया था, तो उधार दिया नहीं, तो वो अंदर उसको मारने भी लगे कि काहे उधार नहीं दे रहे हो, हम भी बचा करने आए, फिर चाकू भी मारने लगे। यहाँ लगा आपके भाई को? यहाँ लगा यहाँ पे। क्या स्थिति है अभी? तो डॉक्टर बोल रहे कि और अब खबर गाजीपुर से, जहां सोनबरसा कासिमाबाद जामा मस्जिद के मतवली सदर मोहम्मद आलम ने बताया कि उपजिलाधिकारी कासिमाबाद आकाश कुमार, क्षेत्राधिकारी बलराम और SHO कमलेश पांडे रामलीला समिति से कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि रामलीला समिति के कार्यों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जो कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जब तक उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता दोनों पक्ष कोई नया कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला समिति सफाई का काम करा सकता है जिस पर रामलीला होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर JCB लगाई गई है और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के भ्रष्टाचार से रोजाना जहां तमाम गंभीर मरीज और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो बेशर्मी पर आमदा स्वास्थ्य कर्मियों को ना तो सरकार का डर है ना ही कानून का खौफ है। कुछ ऐसा ही 26 अगस्त की रात पीड़ित धर्मराज अपनी पत्नी मुस्कान को डिलीवरी के इलाज के लिए GSC लेकर आए थे, लेकिन जब प्रसव पीड़ा के दौरान तीमारदार में लगे परिवारजनों ने मौजूदा नर्स से कहा कि इलाज किया जाए, जिस पर नर्स ने छिड़कते हुए कहा कि सुबह से पहले हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे मरीज रहे या मर जाए, मुझे पैसे सरकार देती है, कोई मरीज नहीं जो रात खराब करूं। तो ऐसा नर्स का कहना था, मतलब बिना पैसे लिए ये लोग इलाज नहीं करेंगे। इस तरह की तस्वीरें बाराबंकी में पहले भी सामने आ चुकी है। ऊर्जा निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी 9 दिनों से लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। पुलिस पूछताछ में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। विद्युत वितरण उपखंड भाटवाड़ी के उप संस्थान मल्ला में आउटसोर्स एजेंसी में तैनात एक कर्मचारी बीते 9 दिनों से लापता है। परिजनों का मेनरी विद्युत विभाग और निवास एक व्यक्ति पर शक है, पूछताछ जारी है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका भी जताई है। वही CO उत्तरकाशी का कहना है कि जिन लोगों की कॉल डिटेल्स निकली है उनसे पूछताछ की जा रही है। 22 तारीख की शाम से जो है ये व्यक्ति जिनका नाम चिरंजी खंसवाल जी हैं, तो ये लापता है मनीष क्षेत्र से, और जो है लगातार जो हमारी टीम है इस पर कार्य कर रही है, इसमें SOG की मदद भी ली जा रही है, SDRF की मदद से भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और साथ ही जो विवेचक है और उसके साथ ही अन्य उप निरीक्षक हैं, सभी इसी कार्य में जो है सर्च ऑपरेशन में लगे। सर कितने दिन होंगे अभी आप लोगों का ये? देखिए 22 तारीख तक उनकी शाम तक लोगों ने देखा, 22 अगस्त तक, तो उसी के बाद से गुमशुदगी जो है दर्ज कर ली गई और जो है उसके क्रम में कार्रवाई जारी है। नहीं नहीं, मेरे पास तो पर्यवेक्षण है पूरी जांच का, और जो कार्रवाई हो रही है वो मनेरी थाने से हो रही है, प्लस SOG की उसमें मदद ली जा रही है, प्लस SDRF की मदद ली जा रही है। लालपुर नगर के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में निवास करने वाले भारतीय सेना में जीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा है, जहां शव को देखते ही माँ और बहन बेहोश हो गए। सेना का जवान सैनिक सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पहुंचे। सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का
शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। लक्सर क्षेत्र में पशुओं में तेजी से लंपी नाम की बीमारी से लगभग 2 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत के बाद हजारों की संख्या में पशुओं के लंपी नाम की बीमारी की चपेट में आने से लक्सर SDM गोपाल राम बेनवाल के द्वारा लक्सर क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक हुई है, जहां बैठक के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा SDM को अवगत कराया गया था कि उनके पास स्टाफ और दवाओं की कमी होने के कारण बीमारी से ग्रसित पशुओं के इलाज करने में परेशानी आ रही है, जिसमें लक्सर SDM के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे। लंबी बीमारी को लेकर के एक बैठक पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा पिछले शनिवार को की गई थी। उसमें उन लोगों को पूरा डिटेल में उसमें क्या कैंप लगा करके समस्या का समाधान करने और उसके साथ साथ पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने और सही समय पर हॉस्पिटल खुलने के बारे में निर्देशित किया गया था। और इसके साथ साथ जिला अधिकारी महोदय को भी एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उन लोगों के द्वारा एक समस्या बताई गई थी कि दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा बताया था, और पर्याप्त स्टाफ नहीं है। तो इसको लेकर के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और DM साहब को पत्र प्रेषित किया है कि इसमें जो भी समस्या है उसका निराकरण करें। और तो कह रही सरकार तो हवाई फायरिंग कर रही जी। हमने तो ब्लॉक में फ़ोन करा, बेटे डॉक्टर को फ़ोन करा, छोटे को रहा, कहने लगे मैं जी आ जाऊँ यहाँ लगा दूँ हमारे पशु को हो रहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। साहब कहने लगे जो जी भी तो हम यहाँ से है, दवाई है नहीं हमारे पास, खत्म हो रही। और सरकार कह रही कि हमने हरिद्वार में 40,000 टिक्के उपलब्ध करा दिए, सरकार भी हवाई फायर कर रही, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं आए। मैं डंगर बीमार हो रहे, मर रहे, मारे डंगर भी जब कभी मरो हो रही जी, और आज तक डॉक्टर नहीं आए यहाँ। और जो इधर आसपास जा रहे हैं हम, सड़कों पर मरे मिले डंगर, और जो डॉक्टर का कहना जैसा आ रहा कि हवाई वायरस भी है, मतलब हवा से फैलता आयो, तो उससे तो और डंगर ज़्यादा बीमार होंगे। सरकार को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे राज्य के पशु चिकित्सालय रायसी के क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज के जो केसेस मिल रहे हैं हमें, अब तक लगभग 950 पशुओं का ट्रीटमेंट हमारे द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 980 पशुओं का हमारे द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है। 869 डोजेज अभी हमारे पास शेष हैं, बाकी वैक्सीनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमने आगे भेजी हुई है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हमें जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, उसमें हमने 8 कैंप 6 गाँव में हमने लगाए हैं, और वैक्सीनेशन हमारे द्वारा 6 विलेजेस में अब तक हमारे द्वारा किया गया है। और जहाँ से भी हम लोगों को पता लगता है कि केसेस लंपी के हमें मिल रहे हैं, हम संबंधित गांव में जाकर उपचार या वहाँ पर स्वस्थ पशु जो हैं उनका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा किया जाता है। उत्तरकाशी के ग्राम सुभाद्वारी का एक युवक जो कुछ दिनों से गुमशुदा है, जिसके युवक के परिवार काफ़ी परेशान है। युवक का नाम राजहंस उम्र 20 साल बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने युवक को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की। युवक के कपड़े गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लंकापुल के समीप मिले हैं, जिससे कि इसकी सूचना आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत को दी गई, पर राजेश रावत ने तत्काल हर संभव मदद की यहाँ पर आश्वासन दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।